वीडियो लॉन्च हो रही है कंडेया. आई एम सुपर एक्साइटेड टू एंकर दिस इवेंट. इट इज़ नमो मोशन पिक्चर प्रेजेंस इन एसोसिएशन विद राजपूत मीडिया. ये अ फिल्म बाय सैंडी सिंह चौहान है एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मोहित हेडा, श्वेता कोठारी. डीओपी है राजेश शर्मा. म्यूजिक बाय सैंडी मिलाद, अभिजीत गाड़वे. स्टारकास्ट है इनके सोनर, नील सिंह, निहारिका अग्रवाल और इनके सिंगर भी हैं विवेक सोनर. असिस्टेंट डायरेक्टर है अभिनीत. प्रोडक्शन अभिलाष ठाकुर एंड तन्वीर. एज आई एम सुपर एक्साइटेड, आई वॉन्ट यू ऑल टू ऑल्सो प्लीज वॉच दिस म्यूजिक वीडियो लॉन्च विच इज़ गेटिंग प्रोड्यूस्ड टुडे ऑन यूट्यूब. सो थैंक यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू. मेरा फर्स्ट टाइम मैं कुछ प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ और जहाँ तक मेरा सवाल है कि भाई ये प्रोजेक्ट अच्छा ही निकलेगा और आगे भी अपना अच्छी तरह काम करते रहेंगे तो कोई इश्यूज़ नहीं है. और बेसिकली हमारा मतलब ये है कि जो ये सॉन्ग उन्होंने बनाया है उसका मतलब है कांटे. कांटे यानी एक लव सॉन्ग है, लव और सैड सॉन्ग मिक्स है, बराबर है. और अपने आगे भी जो काम करेंगे वो ऐसे ही करेंगे क्योंकि आजकल जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से ये सॉन्ग्स काफ़ी मार्केट में डेवलपिंग है और अच्छी तरह चलते रहेंगे. और अपना यही फंडा है कि भाई लोग ऐसे सॉन्ग सुन के थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा फीलिंग्स महसूस करें. जी जी, ये पंजाबी हिंदी मिक्स सॉन्ग है. सर इसकी फिल्म भी बनने वाली है? नहीं, फिल्म नहीं बनने वाली, ओनली फॉर एल्बम सॉन्ग्स है. इसके आगे भी तो हम पार्ट्स निकालेंगे जो और भी शूट हुए हैं, आगे भी इसके पार्ट्स हम काम करेंगे. इस पार्ट पर अपने टोटली 10-12 सॉन्ग रिलीज हो रहे हैं. इसके बाद शूटिंग सर इसकी देखो तो लद्दाख है, कश्मीर है, फिर उस साइड ने पूरा शूट किया है पूरा अपने. स्टार कास्ट में देखो तो एज ए प्रोड्यूसर तो मैं काम कर रहा हूँ, प्रोड्यूसर मैं हूँ. बाकी जो ये जो सॉन्ग में है उसमें निहारिका अग्रवाल है जो अच्छी मॉडल से है, नील है, विदु जम्बर का कजिन ब्रदर है वो है, नील विवेक सोनार है जो सिंगर है वो साइड में स्टार कास्ट में काम कर रहा है. ये सेट प्लस रोमांटिक सॉन्ग है, सेट प्लस रोमांटिक सॉन्ग है. कांटे का मतलब यही होता है कि भाई कोई इंसान किसी से प्यार करता है लेकिन उसके बाद उसको धोखा मिलता है और शायद उसको कुछ वजह से उसका ब्रेकअप हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कांटा. सर इस सॉन्ग की क्या खास बात लगी? क्योंकि गानों को स्पेशली प्रोड्यूसर मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है नई स्टार कास्ट के लिए, तो क्या खास बात लगी आपको? बेसिकली सर ये जो सॉन्ग जिस जो हमारे जो मेन डायरेक्टर है सैंडी सर, उन्होंने सॉन्ग मुझे सुनाया और मुझे सॉन्ग काफ़ी अपने दिल में महसूस कर गया क्योंकि मेरा खुद का भी ऐसे मेरी लाइफ बेसिकली ऐसे ही चल रही है. बेसिकली आपको मैं पर्सनल शेयर नहीं कर सकता लेकिन मेरा खुद का भी जो अभी नया सॉन्ग मेरा आएगा नेक्स्ट 2-3 मंथ्स बाद उसमें भी ऐसा ही कुछ है. और ये सॉन्ग मैंने हिसाब से मैंने चूज़ किया कि ये सॉन्ग थोड़ा मेरे जिंदगी से थोड़ा लगा हुआ वाला है थोड़ा सी. ऑडियंस को बता दीजिए कि कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाला है? और सर रिलीज सर बेसिकली लॉन्चिंग तो आज है, बाकी रिलीज तो कर ही देंगे कल, मतलब पूरा शूट रेडी है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. कभी भी अपन कल शाम तक वैसे तो अभी अपनी चैनल पे अपन लॉगिन कर रहे हैं, डाल रहे हैं नमो मोशन पे, बाद में तो भी आगे जैसे अपनी टीम करती है वैसे काम होगा. जा थैंक यू डेयरी मैन. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. एक्चुअली मेरा बिजनेस तो डायमंड ज्वेलरी बिजनेस है और मैं सालों से सूरत में ही रह रहा हूँ लेकिन मेरा सन और डॉटर दोनों को बचपन से वो इच्छा थी पापा कुछ करना चाहिए मुझे फिल्म लाइन में जाने का है और इसलिए उन्होंने इंटरेस्ट लिया, इसलिए उन्होंने फर्स्ट टाइम उन्होंने ट्राई मेहनत किया उन्होंने और ये काम चालू किया उन्होंने. आपसे कुछ सलाह ली थी इस गाने के लिए? नहीं, ये इनको इंटरेस्ट पहले से बचपन से था इन लोगों को, तो बोला कि मुझे इसमें इंटरेस्ट लाइन में और मैं जाना चाहता हूँ. मैं कोई बात नहीं, मैं उनको पूरा सपोर्ट करूँगा इसी मामले के अंदर. Right. My name is Shweta Kothari. I am producer in Namo Motion Pictures. I am very excited. Please go. कंडयान ये जो गाना बनने जा रहा है या गाना रिलीज होने जा रहा है, मुझे लगता है कि ये गाना पंजाबी फ्लेवर का गाना है. पंजाबी सॉन्ग है और पंजाबी गाने तो आपको पता है यूनिवर्सली कितने हिट होते हैं. अगर किसी के शब्द समझ में भी नहीं आए लेकिन फिर भी धुन पे लोग डांस करते हैं तो हमारा पंजाब साडा पंजाब जिंदाबाद. सत श्री अकाल, मैं हूँ सुनील पाल. आइए सर. एक्साइटेड है इस गाने को स्पेशली देखने के लिए. जैसे आपने गाने का टाइटल देखा होगा कंडिया, मतलब कांटे होते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस ये कांटे नहीं, ये फूल है. ये समझ लीजिए कि आपकी तरफ आपको एक गिफ्ट मिल रहा है म्यूजिक के रूप में कंडियान के नाम पर. तो मुझे ऐसा लगता है कि यूथ बहुत जुड़ेगा इसमें क्योंकि यूथ ओरिएंटेड गाना है और पंजाबी यदि शान बकरी सुबह मुर्गा शाम बकरी. इसका
एक एक क्या होता है, नॉर्मल सोच से कुछ हट के सोचना चाहिए, तो ये मुझे लगता है कि हट के सोच है। तो लव ट्रायंगल है, लव ट्रायंगल है, देखिए यहाँ पर भी ट्रायंगल, यहाँ पर भी ट्रायंगल में फंसा हुआ मैं। इसलिए मैंने अभी आपको भी शेयर किया था, जैसे आपने मेरा इंटरव्यू लिया था कि कंडिया यानी कांटे, मतलब ये बेसिकली एक लव सॉन्ग, ट्रायंगल सॉन्ग और सैड सॉन्ग सब साथ बोल सकते हैं मतलब मिला के, लेकिन आज की जो पब्लिक को यूथ जो अपनी पब्लिक उसको कैसे पसंद आएगा ये सॉन्ग, तो आज की पब्लिक ज़्यादा लाइक करती है ऐसी, मतलब जो अपनी यूथ पर ज़्यादा लाइक करती है ऐसे सॉन्ग को। श्वेता जी आप कितना एक्साइटेड हैं इसका? आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड। सुनील सर यहाँ पे पहुँच गए, क्या कहना चाहेंगे सुनील सर के बारे में? सुनील सर उनके बारे में तो पूरी दुनिया जाती है हमारे, आई हैव नो वर्ड्स। मैं तो यहाँ पहुँचा हूँ, लेकिन ये तो ऑलरेडी पहुँचे हुए लोग हैं। मुझे लगता है कि जो सब पहुँचना है, जी जी हम लोग मारवाड़ी हैं, बेसिकली हम लोग बिलोंग फ्रॉम जयपुर, मारवाड़ी हैं, माहेश्वरी हैं, वहाँ से फोटो ले लीजिए। आई लव म्यूजिक, मैं आज बैड लक, हमारा ग्रेट संगीतकार खयाम साहब हमारे बीच में नहीं रहे, तो मुझे लगता है कि संगीत के लिए आज एक विशेष दिन है कि हम पंजाबी गाने को लॉन्च भी कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े संगीतकार आज हमारे बीच में नहीं रहे, तो ये दिन हमारे लिए किसी ना किसी रूप में बहुत यादगार रूप दिन है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। ओके फोटो ले लिया, फोटो लिया भाई, ओके ओके ओके। चलो भैया चलो, लाइट बंद कर देना भाई, लाइट बंद कर, लाइट बंद करना पाना सर, सर है सर, हो गया रेडी। पहले बोल फादर पापा प्लीज, वर्ड इंग्लिश बोल दो। सी माय लवली डॉटर, आज का एक्सपीरियंस अब आप बताइए कैसा होगा अंदर, उसके बाद बताएंगे हम आपको। गायन तो भी देखिए तो हम पड़ेगा हमको तो अभी तो सॉन्ग ओके। हाँ जी मैडम का सॉन्ग लॉन्चिंग, हाँ हाँ आज है ना, सही बात है। हाँ बन गया, कितना खुश है आज। अरे बहुत अच्छा लगता है भाई साहब, तो बड़े लग रहा है। ओके थैंक यू। So I'm not the captain of the ship. No, I'm not the director. Sir, yeah, sir, let me help you. Hi. Sir, as a producer, क्या कहना चाहेंगे? क्या खास बात ये थी इस song की और पंजाबी song में पहला song पंजाबी? Sir, सुनने में जो अच्छा लगे वही बहुत अच्छा music. This one or this? So आपको कितना music का knowledge है और कैसे मतलब जब पहली बार आपके पास आया क्या reaction था? नहीं मुझे तो music का कोई बहुत बड़ा knowledge है नहीं, बट ऐसा है कि जो सुनने में अच्छा लगता है मुझे वही, मैं सिर्फ दिल की आवाज़ सुन के उसको करता हूँ फाइनल, दैट्स इट। नहीं सर स्टारकास्ट से नहीं होता है, एक अच्छा एक्टर होना चाहिए, स्टार और एक्टर में फ़र्क है, स्टार और एक्टर होने चाहिए, तो मैंने हम लोगों ने एक्टर्स के साथ काम किया, उनके साथ ही किया। थैंक यू सर। सर क्या बताऊँ, Yeah, I'm from G Music singer. So my song got released from G Music, that crossed 35 millions. So that was a like great experience with her and with him. And that the thing is that कि मैं उसमें featuring हुआ हूँ गाने में, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, experience बहुत ही अच्छा रहा, और गाना भी बहुत ही प्यारा सा पंजाबी romantic song है। So I hope आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। चैलेंजिंग होना, इट वाज लाइक बहुत अच्छा भी था और आप थोड़ा नर्वसनेस भी था, बिकॉज जब आप पर्दे के पीछे आप गाते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो वो मुझे लगता था कि लाइक व्हाट एक्सपीरियंस मेरा काउंट होता है, लाइक गाते रहो तो आपको इजी हो जाता है, बट आप वीडियोज़ के सामने, कैमरे के सामने अगर फेस करना पड़ता है तो वो चीज़ें थोड़ी चैलेंजिंग हो जाती है, बट नो डाउट आप अगर बेफिक्र करो और गाने में अपने मगन रहो तो ईजी हो जाता है। नहीं प्रोड्यूसर्स बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत फ्रेंडली नेचर हैं, और हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी हो चुकी है, और मैडम हमारे साथ वीडियोस में है, तो आप देखेंगे गाने बहुत ही सुपरबली हुए हैं डिज़ाइन, और बहुत अच्छे से उसको फीचरिंग भी किया गया है,
और रिकॉर्डिंग भी अभी एक दिन पहले ही रिकॉर्डिंग हुई है, सो आई थिंक दोनों का मिश्रण बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा प्यार वाला सच्चा रिश्ता सदियों निभोना है, जन्मों निभोना है। हो माही मेरा सोना है, हो माही मेरा सोना है, ओ जग मेरा मोना है, ओ माही मेरा सोना है। या थैंक यू सो मच। हम बस ये चाहते हैं कि जो हमने म्यूजिक और वीडियो बनाया है, हम चाहते हैं कि वो लोग सुने, क्योंकि मेलोडी काफ़ी अच्छी है। हमारे भाई विवेक सोनार ने काफ़ी अच्छा गाया, काफ़ी अच्छी कंपोजिशन है, और हम चाहते हैं कि सब गाना सुने और लाइक करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत से बना है। सबसे पहले जब हमने स्क्रैच बनाया था तो हमने अभिजीत गढ़वे को सुनाया था, जिन्होंने चिटिया कल्याण प्रोग्राम किया है, तो उनको काफ़ी, ये गाना भी उन्होंने प्रोग्राम किया है, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा था, तो हमने हमारे प्रोड्यूसर्स को सुनाया, तो उनको काफ़ी पसंद आया, तो इन्होंने बोला हम करते हैं, इस पर काम करते हैं। तो ये अभी हमारे सिंगर हैं विवेक सोनार। हेलो, ओके, गाना बहुत ही इंटरेस्टिंग था। जिस हिसाब से फर्स्ट टाइम जो मैंने गाना सुना था, जो कि ये राइटर हमारे सैंडी जी ने लिखा है गाना सॉन्ग, सैंडी जी और मिलाद ने, तो फर्स्ट टाइम जब मैंने सुना है गाना, मेरे को लगा ये गाना मेरे लिए बना है। तो मैंने इस गाने को अपना 100% दिया करने। उसके बाद हमने इस पे शूट पे भी काफ़ी मेहनत किया। हम लोग ने लेह लद्दाख कश्मीर से लेके बहुत जगह जो अनएक्सप्लोर थे, वो जगह को हम लोग ने एक्सप्लोर किया थोड़ा बाहर के, और गाना बहुत ज़बरदस्त है, आप सबको बहुत पसंद आएगा। कितना कैप्टन ऑफ द शिप सर, कैप्टन ऑफ द शिप देखिए, मुझे सब अपनी टीम से पूरा सपोर्ट मिला है, और ये बहुत एक चैलेंजिंग था, जो कि हमने बहुत पहाड़ों और हिमालयस के बीच में जाके ये शूट किया, और बहुत चैलेंजेस था, और हमने इसको पूरा किया, और मेरे प्रोड्यूसर का मेरे को पूरा साथ रहा, सपोर्ट रहा, और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और इनका धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और आगे भी सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। सिंगर से दो लाइनें सुन लेते हैं। जरूर जरूर सर। सर आ जाओ। हां सर, चलो हां, ओके ओके। हुण तू ही मैनू दस, मेरा चल दाना बस, किदी गलती दी दीती ए सजा, तेनू मन्ने असी रब, हुण तू ही मेरा सब, कातुर से गे तू दस दे वजा। थैंक यू सर। पहले तो गाना बहुत ही अच्छा है, और हम लोगों ने इसको बहुत जगह जाके फरमाया है, लद्दाख में और काफ़ी जगह हम लोगों ने श्रीनगर में और जम्मू में, बहुत ही ज़्यादा लोकेशन, प्यारी प्यारी लोकेशंस हैं। तो आप गाना देखोगे फिर आपको पता चलेगा, भी मैं तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा बोलूँगा। थैंक यू सो मच।